शासकीय शिक्षा संगठन मध्य प्रदेश का राजधानी के अम्बेडकर पार्क में प्रांतीय अधिवेशन एवं सवर्ग रजत जयंती कार्यक्रम मनाया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे और कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया कि वह 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन राज्य शासन द्वारा उनकी वरिष्ठता की गणना 2018 से की जा रही है। ऐसे में उन्हें जो वरिष्ठता मिलना चाहिए उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते संगठन द्वारा राजधानी में प्रांतीय अधिवेशन आयोजन किया गया और सरकार के समक्ष रखी कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ साथ क्रमोन्नति, पदोन्नत, ग्रेजुएटी और वेतन विसंगतियों में सुधार सहित अन्य मांगे मानी जाए। मैं उसे पारिश्रमिक कहना ज्यादा उचित समझूंगा, नाम मात्र का पारिश्रमिक मिला लगभग 15 वर्षों का। देखिए, ये जो कार्यक्रम हमने रखा है, ये हमारे संगठन का प्रांतीय अधिवेशन है और हमारे संवर्ग का रजत जयंती समारोह है। ये संवर्ग का रजत जयंती समारोह रखने के पीछे हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि हम शिक्षा कर्मी, गुरु जी और संविदा शिक्षक से होते हुए अध्यापक बने 2007 में, और 2007 के बाद हम जो है अब 2018 में हमको राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त कर दिया गया। तो और हमारी जो वरिष्ठता की गणना है वो 1 जुलाई 2018 से होने लगी, तो अब वो हमारी 4 साल गिन रहे हैं जबकि हमको 25 वर्ष हो गए। हम आज अपने इस समारोह के माध्यम से सरकार, पब्लिक, मीडिया सबका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि हम 4 साल पुरानी नहीं है, हमारी वरिष्ठता 25 साल की है, इसलिए हम संवर्ग का रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। क्या है, आज से 25 वर्ष पूर्व इस संवर्ग का गठन हुआ था, शिक्षा कर्मी से फिर अध्यापक, अध्यापक से आज हम लोग शिक्षक के रूप में आए, तो उसी की पिछली 25 सालों की खट्टी मीठी अनुभवों की यादों को लेकर आज एक हमने कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और इसमें हमने हमारे कई अतिथियों को हमने आमंत्रित किया है, मंत्री भी हैं, ये भी हैं, और उनके माध्यम से अपनी जो 25 साल की यात्रा का बात हम अपनी सरकार से संवाद के रूप में रखना चाहते हैं कि हमारे पास किन किन समस्याओं को लेकर और भविष्य की किन दिक्कतों को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसी सब को लेकर यहाँ आंतरिक अधिवेशन में और संवर्ग रजंती समारोह में हम अपने कार्यक्रम को बात रखेंगे और सरकार तक अपनी बात रखेंगे। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है कि आज हमारी जो 20-22 साल की जो वरिष्ठता है वो आज पूरी तरह से इस नए संवर्ग में हमारी खत्म हो रही है, जिससे ना तो हमें क्रमोन्नति का लाभ मिल रहा है, ना पदोन्नति हो रही है, ना हमारे जो रिटायरमेंट साथी हैं उनको ग्रेजुएटी का लाभ मिल रहा है, और जो हमारे ऐसे साथी जो सेवा अपनी मृत्यु हो गई है उनके बच्चों को ना अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमने इस अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात सरकार के समक्ष